नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने आज की कोरोना अपडेट को लेकर। खबर बिहार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बिहार में कोरोना का आंकड़ा 16 जुलाई को जहां 21,558 था, वहीं 17 जुलाई को यह 23,000 को पार कर गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने आज शुक्रवार को जो जानकारी दी है उसके अनुसार बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23,300 हो चुकी है। बिहार का रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। बिहार जहां कभी रिकवरी रेट पहले 74% के आसपास रहता था, वहीं वह गिरकर अब लगभग 65% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट का राष्ट्रीय औसत लगभग 63% है, उससे जरूर यह ठीक है, लेकिन इसमें लगातार गिरावट होना बिहार के लिए सही नहीं है। आज जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं उसे जारी करने के तरीके में थोड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो दो तारीखों में दिखाए गए हैं। एक 16 जुलाई के रिपोर्ट हुए मामले, जिसमें पॉजिटिव मामलों की संख्या 901 है, और दूसरा 15 जुलाई और उससे पहले के मामले जो सिस्टम में लोड नहीं हुए थे, जिसकी संख्या 841 है। इस तरह 1742 नए कुल मामले सामने आए हैं। एक नज़र डाल लेते हैं सभी जिलों के कुल मरीजों की संख्या पर। अररिया कुल पॉजिटिव मामले 223, अरवल कुल पॉजिटिव मामले 229, औरंगाबाद कुल पॉजिटिव मामले 359, बांका कुल पॉजिटिव मामले 336, बेगूसराय कुल पॉजिटिव मामले 1066, भागलपुर कुल पॉजिटिव मामले 1455, भोजपुर कुल पॉजिटिव मामले 541, बक्सर कुल पॉजिटिव मामले हैं यहां पर 391, दरभंगा कुल पॉजिटिव मामले 462, गया कुल पॉजिटिव मामले 632, गोपालगंज कुल पॉजिटिव मामले 562, जमुई कुल पॉजिटिव मामले 298, जहानाबाद कुल पॉजिटिव मामले 399, कैमूर कुल पॉजिटिव मामले 287, कटिहार कुल पॉजिटिव मामले 568, खगड़िया कुल पॉजिटिव मामले 628, किशनगंज कुल पॉजिटिव मामले 281, लखीसराय कुल पॉजिटिव मामले 362, मधेपुरा कुल पॉजिटिव मामले 308, मधुबनी जहां पर कुल पॉजिटिव मामले बढ़ के हो गए 680, मुंगेर 817, मुजफ्फरपुर 996, नालंदा कुल पॉजिटिव मामले 923, नवादा 799, पश्चिम चंपारण कुल पॉजिटिव मामले 734, पटना कुल पॉजिटिव मामले 3245, सबसे ज़्यादा 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है पटना जिला कोरोना मामलों में, जहां पर 16 से 43 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, 28 ने अपनी जान गंवाई है और 1574 मामले अब भी एक्टिव हैं। पूर्वी चंपारण कुल मामले 550, पूर्णिया कुल पॉजिटिव मामले 464, रोहतास कुल पॉजिटिव मामले 641, सहरसा कुल पॉजिटिव मामले 347, समस्तीपुर कुल पॉजिटिव मामले 613, सारण कुल पॉजिटिव मामले 531, शेखपुरा कुल पॉजिटिव मामले 257, शिवहर कुल पॉजिटिव मामले 140, सीतामढ़ी कुल पॉजिटिव मामले 205, सिवान कुल पॉजिटिव मामले 1065, सुपौल कुल पॉजिटिव मामले 437 और वैशाली कुल पॉजिटिव मामले 469। बिहार में पिछले 24 घंटे में 10,273 कोविड-19 के जांच हुए हैं। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की बात करें तो 896 कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। अब कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14,997 हो गई है, जबकि 8,129 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी पूरे बिहार में एक्टिव हैं। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रही है। यह बिहार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कोरोना के चेन ब्रेक होता नहीं दिख रहा है, इसलिए घरों में ही रहिए। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका है। खुद को सुरक्षित रखिए और बिहार को सुरक्षित बनाइए। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।